बीजेपी पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन में मुंबई के कांदिवली वेस्ट पोईसर जिम खाना में आयुर्वेदिक शिविर का भव्य आयोजन किया गया। आयुष शक्ति एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा स्वास्थ्य शिविर के आयोजन में बड़ी संख्याओं में लोग पहुंचे, जहां पर विदेश से आई हुई टीम ने नसों के माध्यम से लोगों की जांच की और साथ ही वहां पर आयुर्वेदिक दवाई भी लोगों को दी गई। वहीं आपको बता दें, ये पहली बार होगा उत्तर मुंबई में जहां पर इस तरह से आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन किया गया। गोपाल शेट्टी इस दौरान वहां उपस्थित रहे और वहां के आयुर्वेदिक शिविर में हर जगह पर जाकर उन्होंने देखी और उन्होंने कहा एक अच्छी कार्य है यह आयुर्वेदिक शिविर और लोगों से आयुर्वेद से लोगों को जुड़ना चाहिए। तो देखिए मीडिया से बातचीत में गोपाल शेट्टी और साथ ही वहां उपस्थित डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। सर, आज यहां पोईसर जिम खाना में आयुर्वेदा जिस तरह से मेडिकल शिविर आयोजित किया गया, सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहां कांदिवली उत्तर मुंबई में इस तरह का शिविर आयोजित किया गया है। नहीं देखिए, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता हाथ में लेने के बाद 2014 से आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने पार्लियामेंट में आयुर्वेद का बिल नया उन्होंने प्रस्तुत किया और पूरे देश भर में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। तो जो 10 रुपये में गोलियां बिकती है वो रुपया 2 रुपये में लोगों को मिलना प्रारंभ हुआ। जगह जगह पे छोटे मोटे सेंटर खुलने लग गए और आपकी जानकारी के लिए डॉक्टर पंकज नरम जो बोरली में रहते थे, कांदिवली में जिनका क्लिनिक था, अब तो गुजर गए, लेकिन उनकी पत्नी, उनके बच्चे, हमारे डॉक्टर हेमंग भाई, ये सारे लोग मिलकर इस सेंटर को बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं। कल ही रिसोर्ट मड में 30 फॉरेन से आए हुए डॉक्टर लोगों ने 3 साल का कोर्स किया, उनका कल सर्टिफिकेशन का कार्यक्रम था जिसमें मैं गया। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और ये सारे डॉक्टर्स लोग आज यहाँ पर पोईसर जिमखाना में अगल बगल में रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पर आए और आपने देखा कितने बड़े पैमाने पे लोग आकर बैठे हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी शक्ति है और ये हमारे देश का मूल मेडिकल इलाज जो बहुत ही कम पैसे में और बगैर कोई साइड इफेक्ट के होता है। तो आने वाले दिनों में देश में आयुर्वेदा को और बढ़ावा देने के लिए मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने महीने में एकाध कैंप तो कहीं ना कहीं करते हुए लोगों में जागरूकता लानी चाहिए। जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं उनमें एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और इससे समाज को बहुत लाभ होगा। इसलिए कहीं पर भी इस प्रकार का कैंप होता है तो मैं उसको अटेंड करने का प्रयास करता हूँ और लोगों को भी ये अच्छा लगता है। देखिए, मेडिकल की जहाँ तक मैं बात करूँ तो जो मैंने अनुभव किया है और मैं हमेशा रिसर्च में बहुत मानता हूँ, फॉरेनर लोगों ने ये सारा सिस्टम को बिगाड़ा है और फॉरेनर लोग ही इसको ठीक करेंगे, क्योंकि हमारे देश के लोगों को एक स्वभाव बन गया है। हमारे देश के बुद्धिमान लोग अगर कोई बात करते हैं तो उसको जल्दी एक्सेप्ट करते नहीं है। कोई कम पढ़ा हुआ व्यक्ति भी अगर कोट वोट पहन के वो लेक्चर देने प्रारंभ करता है तो लगता है बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है करके। फॉरेन के लोगों ने अपने देश के दवाइयों को, टैबलेट, इसका सिस्टम अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो एक लड़का या लड़की है वो इतना खूबसूरत नहीं दिखने के लिए, लेकिन उसके ऊपर मेकअप के माध्यम से वो बहुत खूबसूरत लगता है और लोग फिर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये फॉरेनर लोगों ने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भारत में बनाए हुए दवा को सिर्फ पैकेजिंग करके 1 रुपये की गोली को 10 रुपये में बेचने का काम किया और लोग भी उसके पीछे गुमराह हो गए। लेकिन हर एक चीज़ का एक समय होता है। अब मुझे लगता है कि मोदी जी आने के बाद में मोदी जी ने सारे देश के लोगों को आयुर्वेदा का जो विशेषताएं हैं उसको समझाने का प्रयास किया और 10 साल में लोगों का एक बहुत माइंडसेट बदला हुआ है, ऐसा हम सब लोग महसूस करते हैं। और आने वाले दिनों में निश्चित इसमें बहुत बड़ी एक क्रांति हम सब लोगों को देखने के लिए मिलेगा। नहीं, उनको लाभ मिलना चाहिए, इसलिए तो इस प्रकार का कैंप का यहाँ पर आयोजन हुआ है ना।
इस प्रकार का कैंप का आयोजन हुआ है। अभी कैंप में देखते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में सवेरे यहाँ पर भीड़ देखने के लिए मिल रहा है, और ये इसका प्रचार होगा। ये पहला कैंप है वैसे, और इसका जितना हम प्रचार आने वाले दिनों में करेंगे उतना इसको बढ़ावा मिलेगा और लोग जुड़ते जाएंगे। डॉक्टर हेमांग पारेख, एसोसिएट विद आयुष शक्ति फ्रॉम लाइक मोर देन 25 ईयर्स, एंड एज अ नाड़ी वैद्य वी आर वर्किंग एंड लाइक वी हैव द कंपनी, अपना एक अपना आयुष शक्ति आयुर्वेद करके एक आयुर्वेद का क्लिनिक और सेंटर है कि जो डॉक्टर पंकज नरम, डॉक्टर स्मिता नरम ने शुरू किया है 37 ईयर्स पहले, जो कांदीवली मलाड़ के बीच में है, और वहाँ पर मैं 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। गोपाल शेट्टी जी जो है वो किस तरह से आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में मदद करें, किस तरह से प्रमोट करें, क्योंकि आज जो यहाँ पे आयोजन किया गया है शिविर का उसमें वो भी पहुँचे हुए हैं। हाँ, उनका खुद का एक लगाव और विश्वास आयुर्वेद के प्रति और उनका खुद का पर्सनल अनुभव, उसकी वजह से वो काफ़ी इम्प्रेस थे। साथ में उन्होंने जैसे बताया कि भाई उन प्रधानमंत्री अपने मोदी जी की मतलब जिस हिसाब से आयुर्वेद की प्रसार और प्रचार के लिए पिछले 10 साल से लगे हुए, उसमें भी उनका मतलब काफ़ी सपोर्ट है। वो कल हमारा जब ये 3 साल का एक आयुर्वेद का एजुकेशन प्रोग्राम आयुष शक्ति की तरफ से चल रहा है कि जिसमें 40 अलग अलग कंट्रियों में से 120 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, जो कल ख़त्म हुआ और उन लोगों को ग्रेजुएशन हुआ, उन लोगों को कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम था उसमें गोपाल शेट्टी जी आए थे, प्लस हमारे मतलब दूसरे आयुष के डिपार्टमेंट से भी काफ़ी लोग आए थे, उन्होंने कॉन्वोकेशन में सब लोगों को डिग्री एनायत किया और काफ़ी उनको सर्टिफिकेशन का बेनिफिट प्रोत्साहित किया। आज वो सभी लोग को निमंत्रित किया यहाँ पे आके, अपनी बोरीवली की जनता को उसका बेनिफिट मिले। यहाँ पे अभी सारे अपने देश विदेश से आए हुए अलग अलग प्रैक्टिशनर्स जिन्होंने आयुर्वेद का पिछले 3 साल से ग्रेजुएट प्रोग्राम किया, स्टडी किया, हमारे आयुष शक्ति के डॉक्टर स्मिता नरम, कृष्णा नरम, डॉक्टर कृष्णा नरम और बाकी हमारे दूसरे 40 वैद्य लोगों ने उनको पिछले 3 साल में आयुर्वेदिक को पढ़ाया, सिखाया, स्टडी कराया, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए वो 3 साल में कई बार आते रहे। ऐसे आज अभी वो सभी ग्रेजुएट्स खुद सब लोगों की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सभी नए ग्रेजुएट्स देश विदेश से आए हुए, वो लोग नाड़ी देख रहे हैं, वो लोग लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब आयुष शक्ति का ऐसा है कि भाई कि खुद आयुष शक्ति का एक रिसर्च डिपार्टमेंट है कि जो पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं रिसर्च के बेस के ऊपर, स्टडी के ऊपर एवरी फॉर्मूला का फॉर्मुलेशन होता है और टेस्ट किया जाता है पब्लिक के लिए, सेफ्टी चेक की जाती है, मेजर की जाती है, और फिर उसकी दवाई की एफिकेसी इफेक्टिवनेस चेक करके फिर हम लोगों को देते हैं। क्या क्या जांच की जा रही है वैसे? नॉर्मली हमारा जांच करने का पद्धति नाड़ी परीक्षा है कि नाड़ी परीक्षा करके हम उन लोगों को बताते हैं कि अपने शरीर में, मन में, इमोशंस में क्या क्या तकलीफ है और क्या क्या इम्बैलेंस है, क्या क्या चीज़ों का करेक्शन करने की ज़रूरत है वो समझाते हैं, साथ में डाइट, लाइफस्टाइल, क्योंकि मेजॉरिटी आयुर्वेद बिलीव इन दैट कि भाई कि आयुर्वेद जहाँ तक जो मेन चेंज करना है डाइट एंड लाइफस्टाइल, वो गाइडलाइन दी जाती है।